हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, हमारी बॉर्डर फोर्सेस की फाइटिंग कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए और इसी के साथ इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बूस्ट करने के लिए इंडियन आर्मी ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू की है, जिसमें इंडियन आर्मी करीब 4,25,000 कार्बाइन, राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खरीदना चाहती है। अपनी इसी जरूरत को देखते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसी साल जुलाई में इन राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, आर्म्ड स्वार्म ड्रोन्स के लिए 28,732 करोड़ रुपए के प्रपोजल को हाँ कह दिया था। अगर हम इस पर ध्यान दें कि यह राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, तो यह उन इन्फेंट्री ट्रूप्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना को फेस करते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट यह इन्फेंट्री ट्रूप्स कई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को कंडक्ट करती हैं। और इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए वह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए गए राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करती है। वहीं अगर हम आर्मी की कार्बाइन की जरूरत को देखें, तो आर्मी को 5.56 mm क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की बहुत जरूरत है, जिनकी इफेक्टिव रेंज कम से कम 200 मीटर की होनी चाहिए। वहीं RFI ने कई स्पेसिफिकेशंस को भी हाईलाइट किया है, जिसमें एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जैसी चीजें शामिल हैं। वहीं हमारे आर्मी के जवानों को जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन दुश्मनों से बहुत ज्यादा खतरा है जो स्नाइपर का इस्तेमाल करते हैं, और इसी खतरे को भांपते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बुलेट प्रूफ जैकेट, जो इंडियन स्टैंडर्ड BIS VI लेवल के प्रोटेक्शन के होते हैं, उन्हें खरीदने के लिए हाँ कह दिया था। और इसी के बाद आर्मी ने करीब 47,627 जैकेट्स इशू किए थे। आज का सिनेरियो देखा जाए तो हमारी आर्मी कई कन्वेंशनल और हाइब्रिड वॉरफेयर और साथ ही काउंटर टेररिज्म जैसे इश्यूज में उलझी हुई है, जिसमें LAC और LOC जैसी बॉर्डर पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में करीब 4,00,000 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन को अप्रूव किया था। इसी के साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंडिया मैन्युफैक्चरर्स द्वारा ही बनाया जाए, और इसीलिए इसमें स्मॉल आर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। और जिस तरह की ऑपरेशन में हमारी इंडियन आर्मी इन्वॉल्व रहती है, उसमें सोल्जर की जान को खतरा बहुत ज्यादा होता है, और कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर सोल्जर पहुँच नहीं पाते हैं, इसीलिए ड्रोन एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और इसीलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को मिलिट्री ऑपरेशन का एक फोर्स मल्टीप्लायर कहा गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी को मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लिंक करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ऑटोनोमस सर्वेलेंस और आर्म्ड ड्रोन स्वार्म्स को इंडियन IDDM कैटेगरी में खरीदने का फैसला किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अस।